अंजलि अरोड़ा को अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी के फैंस। मुनव्वर फारूकी के फैंस मुनव्वर को जितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत वो उस इंसान से करने लग जाते हैं जो इंसान जो है मुनव्वर फारूकी के बारे में बुरा भला बोलता है। जैसे कि आयशा खान, जैसे कि अंजलि अरोड़ा। अंजलि अरोड़ा ने लॉकअप में जो है मुनव्वर के साथ रही, काफ़ी अच्छी दोस्ती रही और मुंजली जो है हैशटैग बना, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया इनकी जोड़ी को। पर बाहर आने के बाद जो है इनको सिर्फ जो लॉकअप था उसी की एक पार्टी में देखा गया, उसके बाद जो है इनको साथ में देखा नहीं गया। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई। पर अभी जो है जब बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी थे, तब उस वक्त भी काफ़ी सारी बातें जो है अंजलि अरोड़ा ने बोली थी, जिसके बाद जो है लोगों का गुस्सा जो है अंजलि अरोड़ा के ऊपर छलक उठा और काफ़ी सारी बातें जो है बुरी भली बातें जो है अंजलि अरोड़ा को लोग सुनाने लग गए। अब जो है जैसे आयशा खान के साथ जो चीज़ें होती है वही चीज़ें जो है अंजलि अरोड़ा के साथ भी होने लग गई हैं। अंजलि अरोड़ा ने अभी एक रील वीडियो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे और वहीं पर जो है उसके अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके देखो तो अंजलि अरोड़ा के फैंस तो कमेंट करते ही हैं, जो उसको पसंद करते हैं तो वो करते ही हैं, पर मुनव्वर फारूकी के फैंस के कमेंट्स जो है उस कमेंट सेक्शन में ज़्यादा हैं भाई। तो मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स जो है पढ़ के सुनाती हूँ। तेरी औकात नहीं है मुनव्वर फारूकी के सामने, चल निकल। और तो और इतनी भाई क्या जल्दी थी। और मुनव्वर फारूकी रिस्पेक्ट बटन, मुनव्वर फारूकी किंग, हम मुनव्वर फारूकी को पसंद करते हैं तुझे नहीं। इस तरीके की जो है बातें बोलते हैं मुनव्वर फारूकी के फैंस। उनका जो गुस्सा है ना वो अंजलि अरोड़ा के ऊपर उतरे जा रहा है। हालांकि अंजलि अरोड़ा ने कुछ बातें बोली थी जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो यूज़ करता है समथिंग, उसने कुछ इंटरव्यू में बोला था तो मुझे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और मैंने ये भी बात बोली थी आप लोगों को कि अंजलि अरोड़ा का काका के साथ जो है एक गाना आने वाला था, उसकी पब्लिसिटी जो है उसने की थी, पब्लिसिटी स्टंट किया था कि वो उस वक्त जो है चर्चा में आ जाए और उसका गाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं। और ये चीज़ का फ़ायदा भी जो है अंजलि अरोड़ा को उस वक्त हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक स्टंट किए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों ने अंजलि अरोड़ा को माफ़ कर दिया है, या आप लोग अंजलि अरोड़ा को कुछ समझते तक नहीं है, या आप अंजलि के ऊपर अभी भी गुस्से में हैं और आप अपना गुस्सा उतारते रहेंगे जब तक अंजलि अरोड़ा दिखती रहेगी। क्या है आपका कहना बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।